प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ज़िंदगी में सफल होना है। और सफलता का मतलब है कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए घनघोर तपस्या की है, जोश और उत्साह से आगे बढ़ते रहे, मुसीबतों का सामना किया है, कभी घुटने नहीं टेके कठिनाइयों के सामने, क्योंकि कष्ट कंटकों में जिसका जितना जीवन सुमन खिला, कष्ट कंटकों में जिसका जितना जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र मिला। इसीलिए अगर कुछ कठोर परिश्रम के बाद आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो कठिनाई आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी, विफलताएँ आएंगी। तो याद रखो कि हर विफलता सफलता की एक सीढ़ी होती है, इसीलिए कभी हिम्मत मत हारिए। हरिवंश राय बच्चन जी ने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी थी कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस कविता से बहुत ही प्रेरणा और उत्साह जो से मिलता है। एक नन्ही सी चींटी को भी देखो, दीवार पर बार बार चढ़ती है दाना लेके और बार बार फिसल के गिरती है, लेकिन कभी भी वो हिम्मत नहीं हारती और तब तक चलती रहती है जब तक कि लक्ष्य तक पहुँच नहीं जाए और अंत में वो सफल हो जाती है। इसी तरह उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि अगर कोई डुबकी लगाने वाला गोताखोर समुद्र से गहराइयों में जा जा के मोती लाने की कोशिश करता है तो हर बार तो सफल नहीं होता, लेकिन कभी न कभी वो मुट्ठी भरकर ही लाता हो। इसीलिए उन्होंने कहा है कि असफलता एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, इसे डरना नहीं चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए और बिना कठोर परिश्रम के कभी अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त नहीं होती है। तो प्यारे दोस्तों, अभी मैं अपने दोस्त अमिताभ बच्चन जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आपको अपने स्वर में अपने पिताजी के इस रचना को सुनाए। तो अमिताभ जी तो बहुत ही अद्भुत एक कलाकार रहे हैं और विश्वविख्यात रहे हैं, तो मैं तो सुनाता ही रहता हूँ, लेकिन आज मेरे प्रिय दोस्त अमिताभ से सुनिए वो इसको किस तरह से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मेरे दोस्त अमिताभ, थोड़ा मेरे दर्शकों को ये सुनाइए, क्योंकि आप तो बहुत बड़े कलाकार हो यार, आपकी आवाज़ की तो कोई सामने से कोई मिसाल ही नहीं है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अभी अमिताभ जी के स्वर में आप सुन रहे थे कि सफलता अगर चाहिए जिंदगी में तो ईमानदारी निष्ठा से बिल्कुल संघर्ष को झेलते हुए, कांटों को छेदते हुए, पहाड़ों को मरते हुए, समुद्र की गहराई तक जाते हुए, पहाड़ों को लांघते हुए आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपका जय हो, कल्याण हो, ओम शांति, सर्वत्र शांति। धन्यवाद।